सी बना है, आसर जरदारी इसके पीछे है, करप्शन का पैसा इसके पास बेतहाशा है, सिंध हुकूमत से ये बकायदा सिंध हुकूमत से जो पैसा लूटता है वो या इलेक्शन के ऊपर लगा देता है या सेनेट के इलेक्शन में एमपीज को खरीदने पे लगा देता है, जो भी इलेक्शन आजाद कश्मीर का गिलगित बल्तिस्तान बेतहाशा पैसा फेंकता है क्योंकि चोरी का पैसा है। ये पैसा इसने लगाया है, एक दहशतगर्द तंजीम को इसने पैसा दिया, सहूलतकार इसमें ताकतवर एजेंसी के लोग हैं जो ये मिलके तीन तरफ ये फैसला हुआ है और इन्होंने अगली वारदात करनी है। मैं आज अपनी कौम को बता रहा हूं और मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं जो नाम मैंने दिए हैं वही नाम वो भी आएंगे और आसिफ जरदारी के अलावा। तो मैं इसलिए ये कर रहा हूं कि जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, मैंने तो निकलना है, जैसे मैं ठीक होऊंगा मैंने तो अब इलेक्शन कैंपेन पे निकल जाऊंगा, नहीं तो वैसे कैंपेन पे निकलूंगा, लेकिन मैं तो बंद में नहीं होऊंगा, लेकिन मुझे कुछ हुआ तो सारी कौम को पता होना चाहिए कि कौन लोग थे जिन्होंने ये करवाया, ताकि मेरी कौम इनको माफ ना करे, ये इंजॉय ना कर सके उसके बाद जिंदगी। तो मैं इसलिए इनके नाम लिखे।